पेपर फर्स्ट सेकंड टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बताएंगे। कहाँ पे कौन सा नियम काम करता है, कौन सा नियम काम नहीं करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन में होता क्या है, वह पेंट जैसे वह पेंट जो अपने पृष्ठ पर आपके संपूर्ण विकिरण को, चाहे उसका वेवलेंथ कितना भी हो, चाहे उसका वेवलेंथ कितना भी हो, कुछ भी हो, पूर्ण अवशोषित कर लेता है। पूर्ण अवशोषित करता है मतलब कि पूरा पूरा क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो किस मूवमेंट में आता है, क्या कहेंगे, किस मूवमेंट नाम से प्रतीक होता है, किस मूवमेंट इसे ब्लैक बॉडी मतलब ब्लैक बॉडी मतलब बॉडी क्या है, ब्लैक है। और जितना भी किसी भी अंदर का जो मतलब कि हमारे पास विकिरण होगा वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। व्यवहार में अगर बिहेवियर की बात करें, व्यवहार में एक ऐसी समतापीय कैविटी को, समतापीय कैविटी मतलब समान ताप वाली कैविटी में एक खोखला, कैविटी में खोखला है, ये कैविटी को किसी फील्ड माना जा सकता है, किसी फील्ड का माना जा सकता है। अब कुछ समय के लिए आदर्श प्रेडिकेट जो होता है प्लेटिनम की पाली को मान सकते हैं, जिसके अंदर बाहर से विकिरण एक छोटे से छिद्र से होकर प्रवेश करता है, जिसमें बाहर से होकर बाहर से विकिरण जो होता है छोटे से होल में जैसे प्रवेश करता है, जैसे कि हम कह सकते हैं एरिया मैटर है, तो ऐसे हम कह सकते हैं विकिरण जो है ऐसे छोटे से होल से शो करता है, ऐसे छोटे से होल से क्या जब प्रवेश करता है, जब कैविटी में विकिरण की दीवार में सामने पर सामने इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है, मतलब यह जो विकिरण की जो दीवार है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है, होते हैं, तो माना जा सकता है तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर, तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा होता है लैम्डा पर एकांक तरंग दैर्ध्य परास्त में उत्सर्जकता ई लैम्डा इक्वल टू ई लैम्डा, जो हमारे पास होता है ई लैम्डा जो होता है ऊर्जा घन डी लैम्डा है, लास्ट में
द्रव्य के साथ साथ विकिरण की अन्योन क्रिया होती है, द्रव्य और विकिरण के साथ साथ अन्योन क्रिया होती है। ठीक है, इसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस फील्ड की व्याख्या प्लैंक के नियमों अनुसार की जा सकती है।